हाय फ्रेंड, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मेरे पास एक HP लाइट बुक मॉडल नंबर यहाँ पे देखेंगे 6930P का है। चलिए मैं DC से इसे कनेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कनेक्ट किया इसको, और आप देख सकते हैं शॉर्टिंग का इशू आ रहा है, 19 वोल्ट शॉर्ट हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम बोर्ड को बाहर निकालते हैं, फिर देखते हैं क्या दिक्कत है। तो चलिए फ्रेंड, फाइनली हमने बोर्ड को बाहर निकाल लिया है, आप देख सकते हैं। और इसको फिर से एक बार देख लिया जाए। DC को मैं कनेक्ट कर देता हूँ पहले, अब देख सकते हैं अभी भी शॉर्टिंग आ रहा है। सो अब चलिए, अब हम शॉर्टिंग को रिमूव करते हैं, देखते हैं कहाँ पे शॉर्टिंग आ रही है। तो सबसे पहले आपने ये देखना है, ये हमारा कॉमन पॉइंट है, ये ग्राउंड से बीप नहीं आना चाहिए। और आप देख सकते हैं मल्टीमीटर को भी दिखाएंगे। सो ये हमारा बीप कर रहा है, और ये बीप करने का मतलब क्या है, जितना भी आपका PWM है सभी जगह शॉर्टिंग शो करेगा। जैसे मल्टीमीटर भी आना चाहिए, आप देखेंगे ये शॉर्टिंग कहाँ कहाँ पे जा रही है। ये कोर का सेक्शन है, इसमें देखिए दोनों साइड से बीप आ रहा है, ये जितने PF लगे हुए हैं। फिर आप देखेंगे इधर भी बीप लगा हुआ है, बीप दे रहा है। फिर हम चेक करेंगे इधर, इधर भी बीप आ रहा है। फिर हम एक बार इस साइड में चेक कर लेते हैं, यहाँ पे भी दोनों साइड बीप आ रहा है। फिर इधर दिखाएंगे हम, इधर भी बीप आ रहा है। फिर इधर देखेंगे, मल्टीमीटर भी क्लियर आना चाहिए। तो मोस्टली हर जगह बीप हमें मिल रहा है, आप देख सकते हैं फ्रेंड। इस कंडीशन में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन पॉइंट से फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले। लेकिन थोड़ा सा पहले आप देखेंगे यहाँ पे हमारा DC जैक लगा हुआ है, तो इस वाले फर्स्ट MOSFET को हम देखेंगे। ये हमारा फुल शॉर्ट बता रहा है, आप देख सकते हैं। फिर देखेंगे ये MOSFET सही, ये भी फुल शॉर्ट बता रहा है, ये ठीक है, हम देख सकते हैं फुल शॉर्ट बता रहा है फ्रेंड। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस कॉमन पॉइंट को रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद हमें पता चलेगा कि ये विन सेक्शन का इशू है या आगे नेक्स्ट वाले सर्किट में प्रॉब्लम है। चलिए पहले इसको रिमूव कर लेते हैं। इसको हटा दिया। चलिए फिर से एक बार मल्टीमीटर आ रहा है के लिए जी, यहाँ पे ग्राउंड लेंगे,
और यहाँ पे आ रहा था, देखेंगे किस साइड में बीप आ रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे बीप आ रहा है। अब यहाँ पे भी पहले बीप आ रहा था, देख लेते हैं। इसका मतलब कि हमें PWM में शॉर्टिंग मिल रहा है, ये इनपुट साइड में जो शॉर्टिंग था वो हट गया है। तो चलिए वन बाय वन हम चेक करके बताते हैं कि इसमें क्या दिक्कत है। तो चलिए फ्रेंड, फाइनली वीडियो को हमने पॉज कर दिया था, इसमें शॉर्टिंग का एरिया बहुत ज़्यादा था, इस वजह से मैंने टाइम लगने वाला था, इस वजह से मैंने पॉज किया था। तो आप देख सकते हैं हमें प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया है। जो यहाँ पे प्रॉब्लम है वो इस सेक्शन में प्रॉब्लम है, यहाँ पे आप देखेंगे ये कैपेसिटर ख़राब है। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी बीप आ रहा है, ठीक है, जहाँ जहाँ 19 वोल्ट का सेक्शन है वहाँ पे बीप आ रहा है। तो हमने फाइंड आउट कर रखा है इसमें। चलिए फाइनली हम आपको बता देते हैं इसमें हमने क्या प्रॉब्लम को डिटेक्ट किया है। हमने पहले से रिजॉल्व कर लिया था इसको, और आप देखेंगे कि शॉर्टिंग हमारी रिमूव हो गई है। पहले आप देख रहे थे यहाँ पे भी बीप आ रहा था, अब आप देख सकते हैं बीप नहीं आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं बीप हट गया। और आप देख सकते हैं ये हमारा कॉमन पॉइंट पहले बीप जा रहा था, अब आप देखेंगे तो इम्पीडेंस हमें मिल रहा है यहाँ पे। तो हमने वीडियो को पॉज करके ये प्रॉब्लम को पहले रिजॉल्व कर लिया था, निकाल लिया, निकालने के बाद आपको बता दिया। अब चलिए मैं आपको डीसी लगा के आपको फाइनली दिखाता हूँ, जो 19 वोल्ट शॉर्ट जा रहा था, अब आप देखेंगे। मैं डीसी को ऑन कर रहा हूँ और देख सकते हैं फ्रेंड हमारा स्टैंड बाय क्लियर हो गया, बोर्ड ऑन भी हो गया, हम देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड हमारा बोर्ड ओके हो गया है, अब डिस्प्ले हम चेक कर लेते हैं इस पर। चलिए फिर सारी चीज़ों को कनेक्ट कर दिया, अब आप देखेंगे ऊपर ये स्टार्ट लिए। अब देख सकते हैं फ्रेंड डिस्प्ले हमारे पोर्ट से आ चुका है, देखेंगे देख सकते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस बोर्ड में जो प्रॉब्लम आ रहा था वो शॉर्टिंग का इशू आ रहा था। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ शॉर्टिंग भी कहाँ था, ये कैपेसिटर आपके सामने में लगा हुआ है,
रखा हुआ है इसी को मैंने हटाए हैं और प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। 19 वोल्ट की जो शॉर्टिंग आ रही थी वो रिजॉल्व हो चुका है। हम देख सकते हैं फिर यही शॉर्ट था, ये हमारा कैपेसिटर शॉर्ट था। ओके, थैंक यू।